आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको दिख रहा हो स्क्रीन पर एमजेपी रोड खंड यूनिवर्सिटी बरेली, साथ ही अन्य यूनिवर्सिटी के लिए पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम बात करेंगे बीएस फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, या फिर यूँ समझिए कि जिसके पास भी इंग्लिश लिटरेचर है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इसमें बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और साथ ही जो क्वेश्चन हमने आज इसमें लिए हैं इसमें हमने दो नोट कवर किए हैं। ये है पेपर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, इसमें आपका समय 2 घंटे का रहेगा और आपका जो मार्किंग है वो 75 रहेगी, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में ये मैं आपको सिलेबस हमने बता दिया था, और यहाँ से हम शुरू करेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके आधार पर आपके लिए जो है जिन क्वेश्चंस का आंसर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है तो वो प्लेलिस्ट आपको इंग्लिश लिटरेचर की इसके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम लोग 4K तो वो आप कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल बहुत डाउन हो चुका है। ये सब आप लोगों पर ही डिपेंड करेगा, तो जितना आप लोग लाइक शेयर करेंगे उतना वीडियो आगे जाएगा और लोग भी जुड़ते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन डिड अरविंद मेक्स टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। यानी इंडियन इंग्लिश, भारतीय इंग्लिश साहित्य में जो अरविंद हैं, अरविंद हो गए, उनका क्या महत्व है, क्या उनका योगदान है, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो आई होप आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा और इसका आंसर आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट आरन टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एंड हिज कंट्रीब्यूशन एंड वेरियस जेनरेस ऑफ पोएट्री। इनकी रविंद्रनाथ टैगोर एक पोएट हैं, तो उनकी जो कविताएं हैं उनके उनमें इनका क्या योगदान रहा है, और साथ ही इनकी कविताओं में स्पेशल बात क्या है, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है। तो इसका भी आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राइटिंग स्टाइल भवानी भट्टाचार्य ऑफ भवानी भट्टाचार्य। तो इनका आंसर अभी नहीं आया है, इनका आंसर मिल जाएगा आपके लिए। तब तक आप लोग जो आंसर हैं उनको आप जरूर अपडेट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर जो भी यूज़ करते हैं उस पर शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुल्कराज आनंद एज ए नोबलेस्ट एंड हिज कंट्रीब्यूशन। तो मुल्कराज आनंद एक श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, कैसे हैं, उनका आप योगदान किस प्रकार समझाएंगे, उनके बारे में आपको बताना है। तो इनका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेक ए असेसमेंट ऑफ कमला मार्कंडे एज ए इंडो एंग्लियन नोबलेस्ट एंड हर कंट्रीब्यूशन। इन्हें जो कमला मार्कंडे हैं वो इंडो एंग्लियन नोबलेस्ट हैं, यानी उपन्यासकार हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताना है, इनका योगदान बताना है। योगदान बताने का समझ लीजिए, मैं आपको 2 लाइनें बता रहा हूँ, तो उसको ऐसे समझेंगे आप कि इसमें क्या होता है, हिज लाइफ एंड वर्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो इसे बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तब तक जो आंसर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में उनको देखिएगा, बाकी जो नहीं मिलेंगे उनका भी आपको वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो 6 नंबर पर है, कंसीडर नयनतारा सहगल एज ए डेडिकेटेड फेमिनिस्ट, मतलब एक समर्पित जो हैं फेमिनिस्ट हैं, यानी कि महिला कलाकार हैं, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, तो वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द मेन थीम ऑफ नॉवेल, थीम इन नॉवेल ऑफ नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल के जो नॉवेल हैं उनमें थीम क्या है, मेन थीम क्या है इनकी, ये वो बताना है आपको। 8 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु इज़ कार्ल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी किसके लिए भारत का कोकिला कहा जाता है, भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है, तो इसका आपको बताना है आंसर। और मैं आंसर बता दूँ तो ऐसे आंसर आपको पूछ लेता है एग्ज़ाम में, जो वेरी शॉर्ट होते हैं उस तरीके से, और जो भी TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी, जो इंग्लिश लिटरेचर से TGT कर रहे हैं PGT कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका भी आपके लिए सोल्यूशन, जो MCQ बेस पर क्वेश्चन होंगे वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, इंग्लिश जिसके पास भी इंग्लिश से PGT या फिर TGT जो कर रहा है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द थीम इन नॉवेल ऑफ मुल्कराज आनंद। जो मुल्कराज आनंद लेकर उपन्यासकार हैं उनके उपन्यास में थीम का क्या महत्व, किस प्रकार की थीम वो रखते हैं, उसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें हमने आज 2 यूनिट को कवर किया है। पहला यूनिट जो मैंने आपको बता दिया था, यूनिट है एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश राइटिंग,
स्किल, तो इनके बारे में, सेकेंड यूनिट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द वेरियस नैरेटिव टेक्निक्स ऑफ स्टोरी। जो टेक्निक स्टोरी की जो टेक्निक होती है, नैरेटिव टेक्निक होती है, उसमें वेरियस विशेषताएँ क्या होती हैं, क्या स्पेशल चीज़ होती है, तो वो आपको समझानी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। जो शॉर्ट स्टोरी हम लिखते हैं उसकी थीम क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसी थीम होती है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को जरूर ओपन कीजिएगा, जिसका भी आंसर नहीं मिले आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा, उसका रिप्लाई के आंसर में आपको हम इसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड प्लॉट। जो कि अच्छा प्लॉट होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट यानी कि तत्व प्रयोग किए जाते हैं या तत्व होना चाहिए, ऐसे समझिए आप। और इसमें दो नोट हमने कवर किए हैं, पहला नोट आपका है इंट्रोडक्शन और दूसरा आपका है प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। तो इसमें आपका है अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड प्लॉट। एक अच्छे प्लॉट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में। व्हाई इज प्लॉट इन स्टोरी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लॉट। इनकी एक कहानी होती है उसमें प्लॉट का क्या महत्व होता है, प्लॉट क्या होता है, साथ ही प्लॉट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, किस में, स्टोरी में। तो यूनिट हम सेकंड चला रहे हैं, सेकंड यूनिट का आपका नाम है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। तो दोनों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आज की वीडियो में, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको दे दिए बना के, और इसी तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, क्योंकि इसमें से 32 वीडियो अपलोडेड हैं, उन्हें वन बाय वन के जरूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ प्लॉट, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट। यहाँ पर प्लॉट क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट मतलब किस किस प्रकार के प्लॉट होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में आपको बताना है, तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला, जिसका आंसर नहीं मिलेगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, जिससे कि हम आप लोगों को इसका आंसर प्रोवाइड करा सकें। चलिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड थीम। सेवेंथ क्वेश्चन है कि प्लॉट और थीम में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सेकंड, जो आपके थर्ड सेमेस्टर वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कम्युनिटी पेज जरूर फॉलो कीजिए। कम्युनिटी पेज पर हम जो है प्लेलिस्ट का लिंक पेस्ट कर देते हैं, तो वहाँ से आप लोग अपनी सीधा प्लेलिस्ट एक ही बार में सारे वीडियो वॉच कर सकते हो। तो थर्ड सेमेस्टर का भी काफ़ी कुछ कंटेंट अवेलेबल है आपके प्लेलिस्ट पर, और फिफ्थ सेमेस्टर का भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ प्रोज, प्रोज क्या है। देखिए, सेकंड यूनिट में आपके दो यूनिट हैं, पहला है आपका एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, दूसरा इसी में पार्ट है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। तो आज हमने दोनों यूनिट कंप्लीट किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इसी में, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोज, प्रोज के प्रकार क्या होते हैं। अब प्रोज के प्रकार क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया है सिलेबस में, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, मेमिनार है, ठीक है, और आपका ट्रेवलॉग है, पॉलिटिकल ऐसे है, फॉर्मल ऐसे है, इनफॉर्मल ऐसे है, पर्सनल ऐसे हैं, ये मैंने आपको सब कराए हैं। तो इनमें जो भी क्वेश्चंस होंगे, देखिए पर्सनल ऐसे का आपको मैंने आंसर करा दिया है, इसमें आपका बायोग्राफी का आंसर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों के लिए ऑटोबायोग्राफी का भी इसमें अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं, पर्सनल ऐसे भी है, फॉर्मल ऐसे भी है, ये मैंने सारे आंसर बना दिए हैं जो कि आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऐसे, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसे होते क्या हैं। तो इनके लिए हम आपको आंसर दिलवा देंगे, प्रोवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इस प्लेलिस्ट में आपके लिए एग्ज़ाम पेपर भी है, कैसे सॉल्व करोगे, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल है। प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे आप, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई फैमिलियर ऐसे आर पर्सनल ऐसे। इनकी जो फैमिलियर ऐसे हैं और पर्सनल ऐसे हैं, इनमें आप क्या समझते हैं, ये आपको अपने वर्ड में आंसर देना है। इन 21, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। इस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है लिस्ट में, आप देख सकते हैं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर होता है। देखिए, बायोग्राफी दूसरे द्वारा लिखी जाती है और ऑटोबायोग्राफी कहते हैं हम आत्मकथा, ठीक, जो हम स्वयं लिखते हैं, अपने बारे में स्वयं बताते हैं। क्वेश्चन 22, इसमें लॉन्ग शार्ट दोनों ही सबमिट क्वेश्चन है और दोनों यूनिट का आपके क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यूनिट फर्स्ट है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन इंग्लिश राइटिंग, ठीक है, राइटिंग इन इंग्लिश।
सेकंड आपकी यूनिट है एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, इसी में सेकंड पार्ट है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। तो दोनों यूनिट के क्वेश्चन मैंने आज कवर कर दिए हैं और इनमें जो भी आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा, आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ राइटिंग ए गुड ट्रेवलॉग, एक अच्छा ट्रेवलॉग लिखने का मेथड क्या होता है, क्या तरीका होता है, वो बताना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ थीम इन ए शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में थीम का क्या महत्व है। देखिए आपको मैं वन सेंटेंस में बता दूँ, थीम इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा एंड किसी को भी ले लीजिए, किसी भी स्टोरी में कोई भी कहानी कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें जो है थीम ना हो, क्योंकि थीम को कहते हैं हिंदी में कथावस्तु। तो बगैर कथावस्तु के आप कोई भी चीज़ डेवलप नहीं कर सकते, इसके बगैर इसका कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ करेक्टराइजेशन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करेक्टराइजेशन में एलिमेंट यानी तत्व का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इनमें से ये 25 यानी 25 क्वेश्चन थे, इनमें से जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा आप कमेंट कीजिएगा, प्लेलिस्ट को जरूर ओपन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली बार में जो वीडियो आपका आएगा तो उसमें हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 3rd एंड 4th, यूनिट 3rd आपकी है प्रोज डिवाइसेस एंड 4 है शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। तो 3rd 4th को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे अंदर आपको मिलता रहे।